हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बढ़िया हो? तो बेटा, आज हम चैप्टर कर रहे हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट, और यूनिट 7, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, राइट? यूनिट 7, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ठीक है, इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इस यूनिट में बिल्कुल स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, राइट? तो उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। सारे के सारे चैप्टर्स हैं इसमें, आई थिंक 5 चैप्टर होंगे। ठीक है, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टी या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हीट ट्रांसफर भी आ रहा है, फ्लूइड एट रेस्ट है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, हीट एंड टेम्परेचर है। तो ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसके अंडर पहला चैप्टर जो है आपका, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, राइट? तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर चैप्टर जो यूनिट है, दैट इज 7th यूनिट है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इसके अंडर फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्लियर? तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, राइट? अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि हमारे पास इलास्टिसिटी क्या होती है। आपको पता है कि हमारे पास जो मटेरियल्स हैं जिनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, दे आर नोन एज सॉलिड, उनको रिजिड बॉडी बोलते हैं। क्लियर है? एंड दे आर ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अस एज दे आर यूज इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स, ऑटोमोबाइल्स, राइट? इलेक्ट्रिक पोल्स, वायर, रॉप्स, एटसी, आपके घर भी बनते हैं, सॉलिड से बनते हैं ना, राइट? तो हमारा जो यहां पर इंटरेस्ट है, दैट इज टू स्टडी दीज मटीरियल्स अंडर फोर्सेस, राइट? तो हमने इन मटेरियल्स के ऊपर फोर्सेस लगानी है, फिर हमने इसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि इलास्टिसिटी क्या होती है। पढ़ा है आपको इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी क्या, ये देखो, ये है, ये मैंने इसको मास को खींचा, अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ गया। देखो, इसको आप खींचोगे अपने ओरिजिनल पोजीशन। अपना कान देखो, कान को आप टेढ़ा कर लो, थोड़ा सा कान को ऐसे घुमाओ, फिर छोड़ दो, कान ऐसे रह जाता है, नहीं रहता ना, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन क्या कर लेता है, रीगेन करता है। स्प्रिंग को लो, स्प्रिंग को जब ऐसे स्ट्रेच करोगे फिर छोड़ोगे, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा, राइट? अब आपके पास रबर है, जो उसको आप खींचोगे, रबर को खींचोगे ऐसे छोड़ोगे तो क्या होगा, क्या होगा, रबर बैंड को आप खींचोगे तो वो वैसे थोड़ा रह जाएगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा, राइट? तो क्यों रीगेन करता है, कि उसमें इलास्टिसिटी है, उसमें क्या है, इलास्टिसिटी। सो व्हाट इज इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, क्लियर? अब एग्जांपल क्या बोला मैंने, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स, जिस प्रॉपर्टी से वो क्या कर रही है, रीगेन कर रही है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, जैसे आपने स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ गया, इसका मतलब उसने अपनी पोजीशन को रीगेन किया, उसने अपनी पोजीशन को क्या किया, रीगेन किया, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, राइट? अब जैसे मान लो आपके पास स्पॉन्ज है, ठीक है, स्पॉन्ज देखा आपने, या स्प्रिंग की बात कर लो, जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो उसकी शेप जो है वो डिफॉर्म हो जाती है। डिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये है, किसी का चेहरा पकड़ा आपने, उसको ऐसे दबा दिया तो उसका चेहरा क्या होगा, डिफॉर्म हो गया। आपके पास रबर बॉल है, राइट, टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल को आप दबाओ तो क्या होगा, उसकी शेप जो है वो क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। जैसे आप उसको छोड़ोगे अपने ओरिजिनल पोजीशन को, क्या कर लेगी, वो रीगेन कर लेगी। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप जो है वो डिफॉर्म हो जाती है, मतलब शेप उसकी चेंज हो जाएगी, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। व्हाट वी कॉल दैट, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है,
जो शेप को डीफॉर्म करती है, जो हम फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो उसकी शेप को डीफॉर्म कर देता है, तो इसलिए हम उस अप्लाइड फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो इस डेफिनेशन में जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स बोला, यहां पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोल सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लिखेगा, ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स भी लिख सकते हैं, ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन। इज दैट क्लियर? डिफॉर्मिंग फोर्स का पता चल गया। अब जो हमारे पास मटेरियल्स हैं जो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करते हैं, एक तो है ना प्लास्टिक है, ठीक है, ये मान लो मेरे पास पेन है, इसको अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये टूट जाएगा, इसका मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। व्हाट वी कॉल दैट? प्लास्टिसिटी। क्या बोलेंगे हम इसको? प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी की क्या डेफिनेशन हुई? क्या डेफिनेशन? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट, इसमें बोला था इट रिगेन्स, अब क्या बोलोगे? इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, तो ये क्या बन जाएगी? प्लास्टिसिटी। ये डेफिनेशन आपने याद करनी है बेटा, ठीक है? तो प्लास्टिसिटी पता चल गई, इलास्टिसिटी आपको पता चल गई। इलास्टिसिटी में क्या होता है? वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है, बट प्लास्टिसिटी में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। व्हाट वी कॉल दैट? दैट इज प्लास्टिसिटी। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? तो प्लास्टिसिटी पता चल गया, तो प्लास्टिसिटी आपको पता चल गया, इलास्टिसिटी आपको पता चल गया, राइट? इलास्टिसिटी में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है, उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर वो ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करता है, रीगेन का मतलब द्वारा वही पोजीशन में नहीं आता है, देन दैट इज प्लास्टिसिटी। ओके, अब इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स होता क्या है, इलास्टिसिटी आती क्यों है, ये आपने देखो। प्लास्टिसिटी मैंने आपको बता दी, इलास्टिसिटी आपको बता दी, ध्यान से सुनना है, फिर मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा कि प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, इलास्टिक बॉडी क्या होती है। अब हमने क्या करना है? इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, इसके ऊपर डिस्कशन करना है। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, इसको ध्यान से सुनना, आपको सारा कुछ पता चल जाए। क्या होता है हमारे पास? हर सॉलिड में, इन अ सॉलिड एटम्स और मॉलिक्यूल्स, दे आर अरेंज्ड इन सच अ वे that molecule is acted upon by the forces due to neighboring molecules. मतलब solid में क्या होता है, वो solid जो है वो अपने आप को इस ढंग से arrange करते हैं कि neighboring molecule एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? Forces लगाते हैं। जो neighboring molecules है ना, वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? Force लगाते हैं। Each molecule is acted upon by the forces due to neighboring molecules. इसने इसके ऊपर लगाई, इसने भी इसके ऊपर लगाई, या इसने इसके ऊपर लगाई, इसने इसके ऊपर लगाई, इसने इसके ऊपर लगाई। हर मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। एंड दीज फोर्सेस आर नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। व्हाट वी कॉल दैट? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझे? हमारे पास सॉलिड में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड दे आर अरेंज्ड इन सच अ वे कि हर मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब आपने उस सॉलिड के ऊपर, ये सॉलिड की बात कर रहा हूं, जब आपने उस सॉलिड के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई की, तो हर मॉलिक्यूल जो सॉलिड का है वो अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन में होगा। कौन सी पोजिशन में होगा? इक्विलिब्रियम पोजिशन। मतलब जब आप, हमारे पास कोई सॉलिड है, सॉलिड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्सेस लगा रहा है, उन फोर्सेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं, राइट? अब जब हम इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, वो तो इंटरमॉलिक्यूलर, वो अपने घर के, अपने अंदर की बात है, राइट? जैसे ही मैंने क्या बोला कि अगर हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, मतलब सॉलिड के ऊपर कोई फोर्स नहीं हमने लगाई, वो अपने अंदर से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, बट they are in equilibrium position, सारे के सारे equilibrium position में, right? उसके ऊपर कोई भी external force नहीं लगी हुई है, मेरी बात समझ आई? तो इसका मतलब क्या है कि जो उनकी equilibrium position है और intermolecular forces between the molecules है, वो
उस टाइम क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूल फोर्स। जब वो इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उनके पास जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस होती हैं वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब इलास्टिक बिहेवियर सॉलिड को समझने के लिए हमने जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक स्प्रिंग बॉल की तरह हमने यूज किया। मान लो यहां पर स्प्रिंग है, यहां पर भी स्प्रिंग है, ऐसे यहां पर स्प्रिंग, ऐसे सभी को स्प्रिंग के साथ जोड़ दो। इलास्टिक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप सपोज करो कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्प्रिंग की तरह एक दूसरे के साथ अटैच हुए, ठीक है, ऐसे ही ऊपर की तरफ है स्प्रिंग। अब जो बाल आपको रिप्रेजेंट कर रही है ये मॉलिक्यूल है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्लियर, समझ आ गई। अब जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस हैं वो कौन बता रहा है आपको, ये स्प्रिंग बता रहे हैं। स्प्रिंग आपको क्या बता रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस, और ये मॉलिक्यूल है जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जब हम किसी भी स्प्रिंग को स्लाइटली स्ट्रेच करेंगे बाय पुलिंग इट्स एंड्स, जैसे आप इसको स्ट्रेच करेंगे, मतलब देखो फोर्स का मतलब ये नहीं कि इसको आपने दबाना है, आप उसको खींच भी सकते हो, वो भी उसकी आपने शेप को डीफॉर्म करना है, बात खत्म। चाहे आप बॉल को दबा दो, चाहे आप बॉल को ऐसे खींच दो, चाहे आप स्प्रिंग को दबा दो, चाहे स्प्रिंग को खींच दो, इसका मतलब उसकी शेप को आपने डीफॉर्म करना है, राइट। तो जब आप शेप को डीफॉर्म करोगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर लेगा, वो रीगेन कर लेगा, ये तो मैंने आपको पहले बताया। तो क्या किया कि हमारे पास जो स्प्रिंग है ये इस टाइम हमें क्या बता रहे हैं, दे शोज इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस, और ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, मैंने इस स्प्रिंग को स्लाइटली क्या कर दिया, इनको स्ट्रेच, मतलब एक मॉलिक्यूल ये पकड़ा, एक मॉलिक्यूल ये पकड़ा, मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया। जैसे ही मैंने इनको स्ट्रेच किया, व्हेन अ स्प्रिंग इज स्लाइटली स्ट्रेच बाय पुलिंग इट्स एंड, जो लेंथ है स्प्रिंग की वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इस स्प्रिंग की शेप क्या होगी, डीफॉर्म होगी, राइट। और जो मैंने फोर्स इसके ऊपर लगाई उस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, डीफॉर्मिंग फोर्स। कौन सी फोर्स है, डीफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि इसकी शेप को हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया, इसकी शेप को हमने डिफॉर्म कर दिया, तो डिफॉर्मिंग फोर्स ही लगी, राइट, क्लियर। अब जब डिफॉर्मिंग फोर्स मैं रिमूव करता हूं, मैंने पहले इसको खींचा फिर छोड़ दिया, पहले खींचा मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, फिर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो छोड़ दी, मतलब रिमूव कर दी। जैसे मैंने रिमूव की अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, मतलब द स्प्रिंग दैट कम्स टू द ओरिजिनल स्टेट, राइट, तो उसको ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, दैट फोर्स इज कॉल्ड, यस, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि अपनी उसने ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर कर लिया, किसके कारण किया, रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब एज सून एज वी अप्लाई अ डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन अ बॉडी, जैसे हम अप्लाई करते हैं उसी टाइम उसमें रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। तो जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, कोई मॉलिक्यूल पास में आ जाता है, कोई मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस चेंज होगी तो वहां पर ऑटोमेटिकली क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होने से ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है, जो डेवलप हो रही है इन द स्प्रिंग, राइट, तो ये क्या करती है, ये इन मॉलिक्यूल्स को अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन के ऊपर लेके आती है, क्लियर है। मतलब जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करती है ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, किसके कारण, रीस्टोरिंग फोर्स के कारण, इज दैट क्लियर। जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं ना तो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, मतलब उसकी शेप जो है वो डिफॉर्म हो, जब उसकी शेप डिफॉर्म होगी तो जैसे ही शेप उसके ऊपर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, उसकी शेप चेंज होगी, उसी टाइम उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। और रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेनिंग इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, गॉट इट, राइट, ओके। अब क्या बोलेंगे, जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है, राइट,
इन द स्प्रिंग दैट ब्रिंग दीज डिस्प्लेस्ड मॉलिक्यूल्स टू देयर रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास इलास्टिसिटी क्या हुई, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन ऑन द रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करती है तो वो कौन सी, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। अब क्वेश्चन आता है कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है, व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है, अ बॉडी सेट टू बी, राइट डाउन, अ बॉडी is said to be, SAID बोल रहा हूं मैं, a body is said to be, ये याद रखना है, a body is said to be perfectly elastic if it completely regains its original configuration when the deforming force acting on it is removed। मतलब वो अपनी original position को completely regain कर लेगी, थोड़ा सा भी फर्क नहीं रहेगा, तो उस body को हम क्या बोलते हैं, perfectly elastic body। लेकिन हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कोई भी नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर, कोई ऐसा मटेरियल है ही नहीं जो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है पूरी तरह से, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को कंप्लीटली रीगेन नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है नहीं, बट इसकी नियरेस्ट अप्रोच है दैट इज क्वार्ट्ज फाइबर। मैं यहां पर लिख रहा हूं क्वार्ट्ज फाइबर जो है That is the nearest approach of perfectly elastic body, right? Nearest approach है, लेकिन perfectly elastic body फिर भी नहीं है, ये उसकी nearest approach है। ठीक है, clear? क्योंकि मैंने क्या बोला कि perfectly plastic body हमारे पास elastic body है ही। Similarly हमारे पास perfectly plastic body क्या होती है, perfectly plastic body क्या होगी, a body said to be perfectly plastic, पहले मैंने elastic बोला था, अब मैं क्या बोल रहा हूं, प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, अ बॉडी इज सेट टू बी परफेक्टली प्लास्टिक इफ इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इवन स्लाइटली व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। चाहे आप उसको जितना मर्जी उसके ऊपर फोर्स लगाओ, वो जैसे ही आप फोर्स लगाओ वो वैसी की वैसी रहेगी, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करेगी, ओरिजिनल को तो छोड़ दो, वो अपनी वहां से, जैसे मान लो आपने क्या किया, ये बॉडी है ना, इसको थोड़ा सा, जैसे मान लो ये बॉडी है, इसको आपने ऐसा टेढ़ा किया ऐसे रहेगी, इसको आपने टेढ़ा किया ऐसे रहेगी, लेकिन जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, आपने इसको थोड़ा सा छोड़ा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ये करके ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। लेकिन परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी जो है, राइट, आप उसको ऐसे करोगे ना, थोड़ी सी फोर्स भी रिमूव करोगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे की ऐसे रहेगी, ऐसे कर दोगे ऐसी ऐसी रहेगी। लेकिन अगर इलास्टिक बॉडी की, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। ओके, क्लियर? तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इसकी नियरेस्ट अप्रोच लेते हैं, दैट इज पैराफीन वैक्स। कौन सी है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी? पैराफीन वैक्स। कौन सी हमारे पास? दैट इज पैराफीन, डबल आर लगा दिया मैं, PARA, पैराफीन, PARFFIN, पैराफीन वैक्स या वेट क्ले, गिली मिट्टी आपने देखी ना, वेट क्ले जिसके घड़े बनते हैं, वो नियरेस्ट अप्रोच है किसकी? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। समझ आई? दिस इज नियरेस्ट अप्रोच टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एंड दिस इज द नियरेस्ट अप्रोच टू परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी of the material by virtue of which it does not regain its original configuration when the external force acting on it is removed, that is known as perfectly plastic body। लेकिन होता ही नहीं, उस property को हम क्या बोलेंगे, plasticity। property को हम क्या बोलेंगे, plasticity, right? इसके बाद next हमारे पास आता है बेटा stress। What is stress? स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, आपने पढ़ा होगा वैसे, 9th क्लास में पढ़ा होगा, स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है। तो थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देता हूं कि स्ट्रेस क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस के आगे टाइप्स होंगे हमारे पास। स्ट्रेस क्या होती है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, द रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग
फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी. दिस इज स्ट्रेस. रीस्टोरिंग फोर्स, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी. ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलेंगे. ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स की जगह हम डीफॉर्मिंग फोर्स भी बोल सकते हैं. रीस्टोरिंग फोर्स यहां पर अबलीक करके डीफॉर्मिंग फोर्स भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही, जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उसी टाइम उतनी रीस्टोरिंग फोर्स उसमें डेवलप हो जाएगी. तो रीस्टोरिंग फोर्स ऑब्लिक डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी, दैट इज नोन एज स्ट्रेस. ठीक है, तो सिंपल स्ट्रेस क्या हुई फिर? फोर्स पर यूनिट एरिया, यही बोला मैंने. तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन. एरिया के क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस. ओके, क्लियर है? तो स्ट्रेस को हम पास्कल में भी क्या करते हैं? मेजर करते हैं. तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज आल्सो अ पास्कल. तो वन पास्कल किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर, पढ़ा ना आपने, वन पास्कल. वन पास्कल होता है न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वन पास्कल दैट इज इक्वल टू वन न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, इसको पास्कल बोलते हैं. तो स्ट्रेस जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको याद रखना है. अब हमारे पास आ गई टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, याद हो गया? चले आगे, अब करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, ऐसे बना देते हैं. पहला, सबसे पहले हमारे पास आता है नॉर्मल स्ट्रेस. विच स्ट्रेस? दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस. नंबर टू, पहला हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस आएगा. नॉर्मल स्ट्रेस के बाद आएगा टेंसाइल स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस, फिर टेंसाइल स्ट्रेस. ये एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है. टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं इसको. नेक्स्ट इज टेंजेंशियल. टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस. उसके बाद हमारे पास आता है बल्क स्ट्रेस, जिसको वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं. इसके बाद हमारे पास क्या आ गया? बल्क. दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा. बल्क स्ट्रेस मैं यहां पर लिख देता हूं. फोर्थ टाइप मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, दैट इज बल्क स्ट्रेस. इसको हम और क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक. हाइड्रोलिक स्ट्रेस, राइट, और भी इसका नाम है बल्क स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, इसको वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? और वॉल्यूम स्ट्रेस. ये एक ही है. तुम्हारे पास फोर टाइप्स आ गए, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस. और इनकी डेफिनेशन सभी की, टेंसाइल स्ट्रेस की और कंप्रेसिव स्ट्रेस. देखो, नॉर्मल स्ट्रेस जो है उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं. नॉर्मल स्ट्रेस में भी आगे दो है. नॉर्मल स्ट्रेस में भी हमारे पास क्या है? दो हैं. कौन कौन से? इसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस. क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव. क्योंकि ये जो मैंने यहां पर टेंसाइल स्ट्रेस लिखी है, राइट, इसके बाद हम कंप्रेसिव स्ट्रेस भी लिख सकते हैं यहां पर. कंप्रेसिव स्ट्रेस, और ये जो टेंसाइल और कंप्रेसिव है, ये इसके पार्ट है नॉर्मल स्ट्रेस के. टेंसाइल ये क्या है? कंप्रेसिव. ये बात आपने याद रखी. नॉर्मल स्ट्रेस में मैंने आपको टाइप्स बताया कि नॉर्मल स्ट्रेस होती है, टेंसाइल स्ट्रेस होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है. लेकिन जो टेंसाइल और कंप्रेसिव है, ये दोनों स्ट्रेस जो हैं, ये किसके पार्ट है? किसके पार्ट है बेटा? नॉर्मल स्ट्रेस के. ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस में हम क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या है?
रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स स्ट्रेस तो हो गया था, फोर्स ऑन एरिया ही होगी, तो उसमें हम क्या बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, थोड़ा सा साथ में क्या ऐड करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी। इसको हम क्या बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी, दैट इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या हुई, वही है रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। इसमें क्या आएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, टेंसाइल स्ट्रेस में हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। देखो वही बात है, सिर्फ फर्क क्या पड़ा कि नॉर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन वही है, टेंसाइल की भी वही है, कंप्रेसिव की भी वही है। सिंपल हमने टेंसाइल में यहां पर क्या बोला था, पहले हमने क्या बोला कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी, सरफेस कहीं भी है, लेकिन जब हम टेंसाइल की बात करेंगे तो हमने बोला परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। इज दैट क्लियर, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। अब कैसे होगा ध्यान से सुनना, इन दोनों में डिफरेंस क्या, डेफिनेशन दोनों की सेम है, डेफिनेशन दोनों की क्या है, इसकी भी सेम है। इसमें नॉर्मल स्ट्रेस में हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी, इसमें हम दोनों में क्रॉस सेक्शन यूज करते हैं और दोनों की डेफिनेशन एक ही है, लेकिन फर्क क्या है फिर इसमें, एक टेंसाइल है एक क्या है कंप्रेसिव है। टेंसाइल का मतलब जैसे ये है, आपने इसको इधर से खींचा, आपने इसको इधर से खींचा, तो ये क्या बन गई टेंसाइल, आपने इधर से फोर्स लगाई, आपने इधर से फोर्स लगाई, इसको दबाया नीचे की तरफ, तो वो क्या होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस। लेकिन ये नहीं कि आप इसको ऐसे लगाओगे, आपने क्रॉस सेक्शन के ऊपर फोर्स लगानी, दीस आर द क्रॉस सेक्शंस, क्रॉस सेक्शन के ऊपर आपने फोर्स लगानी, या तो आप इसको ऐसे खींचो नीचे की तरफ, इसको ऊपर की तरफ, मतलब दोनों को, जैसे ये मैं डायग्राम आपको बना रहा हूं, यहां पर बना दो छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, अगर आप इसको ऐसे खींचोगे ऊपर की तरफ दोनों तरफ तो ये बन जाएगी टेंसाइल, अगर आप इसको ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये क्या बन जाएगी कंप्रेसिव, मतलब आपने इसको कंप्रेस कर दिया, सिंपल। और दोनों का फार्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ये कौन सी फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके क्लियर, तो ये हमारे पास क्या है टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम है, मैं आपको इसकी पीडीएफ बना के भी भेजूंगा, लेकिन आपने इसको याद रखना, इसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस, नेक्स्ट इज टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस पर चल गई, टेंसाइल स्ट्रेस पर चल गई, कंप्रेसिव स्ट्रेस पर चल गई, अब रहेगी टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास ये है बुक है, मान लो सपोज करो ये हमारे पास बुक है, राइट, ये बुक है ना, मैंने इसके ऊपर यहां से फोर्स लगाई, ये देखो टेढ़ी हो गई, फिर आ गई अपनी जगह, ये देखो ये टेढ़ी हो रही है, ये आ गई, दिखाई दे रहा ना, ये देखो ये है, ये ऐसे टेढ़ी हो गई, फिर छोड़ दी मैंने अपनी ओरिजिनल पीछे के ऊपर आ गई, दिखाई दे रहा है सभी को, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, राइट। ये नीचे वाला जो सरफेस है वो एज इट इज रहा, ऊपर वाला सरफेस चेंज हो रहा है, ये देखो हो रहा है कि नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं कौन सी स्ट्रेस बोलते हैं टेंजेंशियल और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब मैं डायग्राम बना के आपको बताता हूं, ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, ये ओरिजिनल बॉडी, ठीक है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई ये बेस इसका ऐसे रहा, ये यहां पर आ गई ऐसे, मैंने फोर्स कहां पर अप्लाई की, इस पॉइंट पर फोर्स, तो ये जो है इतना पोर्शन, ये एंगल जो बना दिखाई दे रहा है, इस एंगल को सपोज करो मैं थीटा मान, ठीक है, इसको मैंने थीटा मान लिया, और ये जो इतना डिस्प्लेस हुआ डेट इज एक्स,
व्हाट इज दैट, दैट इज एक्स। तो हमारे पास जो टेंजेंशियल स्ट्रेस हुई, शीयरिंग स्ट्रेस हुई, वो हुई क्या, रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग टेंजेंट टू द सरफेस। क्या होगा, रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग, रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग टेंजेंट टू द सरफेस, टेंजेंट टू द सरफेस, रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग टेंजेंट टू द सरफेस टू द एरिया ऑफ द सरफेस, टू द एरिया ऑफ द सरफेस। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कौन सी स्ट्रेस हुई है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। इट इज डिफाइंड एज, ऐसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन, रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग टेंजेंट टू द सरफेस। ये फोर्स जो लग रही है वो टेंजेंशियली लग रही है, ठीक है। आप फोर्स लगा रहे हो, या आप इसको ऐसे लगा रहे हो, या इसको इस तरफ को कर रहे हो, तो टेंजेंशियली फोर्स लग रही है। तो रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग टेंजेंट टू द सरफेस टू द एरिया ऑफ दैट सरफेस, दैट इज नोन एज टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। फार्मूला इसका भी यही है, फोर्स अपॉन एरिया। गॉट इट, उस समझ आ गई, चले आगे। इसके बाद आ गया हमारे पास बल्क स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, और उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। बल्क स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ये क्या होती है, जब आप किसी भी बॉडी को पानी में फेंकते हो, किसी भी बॉडी को पानी में फेंकते हो, तो उसके ऊपर जो स्ट्रेस लगती है वो हर पॉइंट के ऊपर लगती है। जो बल्क स्ट्रेस है ना, वो एक ऐसी स्ट्रेस है जो हर पॉइंट के ऊपर, आप बॉडी को पानी में लगा दो तो पानी इसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर। वैसे आप नॉर्मल अगर आप देखोगे कि आपके पास कोई बॉडी है, मान लो ये बॉडी है आपके, आपने इसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर फोर्स लगानी है, इम्पॉसिबल नहीं होगा, कोई ना कोई पॉइंट रह जाएगा। लेकिन जब आप इसको पानी में डालोगे तो पानी में इसका हर पॉइंट, जहां पर आप भी नहीं पहुंच सकते, हर पॉइंट के ऊपर क्या लगेगी, स्ट्रेस लगेगी, राइट। तो बल्क स्ट्रेस क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स, या सिंपल आप बोल सकते हो, दैट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर, डेफिनेशन लिख लो इसकी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये बल्क स्ट्रेस के बारे में बोल रहा हूं मैं, बल्क स्ट्रेस क्या बोल रही है, दैट इज द रेशियो ऑफ, या सिंपल आप बोल सकते हो, डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग, डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग, ये नोट कर लेना बेटा सारी डेफिनेशन, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा कि जितनी भी मैंने डेफिनेशन कराई उसमें आपके पास फोर्स अपॉन एरिया ही आ रहा है, ठीक है। कहीं है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस है बस, जितनी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इन सभी के यूनिट क्या है, सेम है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बल्क स्ट्रेस मैंने आपको बता दी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बल्क स्ट्रेस, राइट। डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज बल्क स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्लियर बेटा, तो आज के लिए इतना ही है। तो कल हम करेंगे स्ट्रेन के बारे में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपका जो डाउट सेशन है उसमें आपने मेरे से पूछ लेना है, राइट। तो हर चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे या 3 दिन लगे तो हमने चैप्टर कंप्लीट करना, तो इट मींस इस ये यूनिट सबसे बड़ा यूनिट है इसमें, ठीक है। ये खत्म हो गया मतलब सिलेबस हमारा 90% खत्म हो गया। ओके देन बेटा, गुड बाय।